पूर्णा विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। दिल्ली के सफाई कर्मचारी हुए नाराज। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से कहा कि हम लोगों को दोनों ही सरकार ने फुटबॉल बनाया हुआ है। दिवाली से चंद दिन पहले उतरे सफाई कर्मचारी धरने पर सफाई कर्मचारियों का आरोप है कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही सफाई कर्मचारियों को फुटबॉल बनाकर एक दूसरे की तरफ फेंक रहे हैं। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि हम सभी सफाई कर्मचारियों को कहा गया था कि दिवाली से पहले सभी सफाई कर्मचारियों की मांगों को मान लिया जाएगा, पर अब दिवाली भी आ चुकी है पर दोनों ही सरकारें हमारी मांगों पर गौर नहीं कर रही है और अब नौबत यहां तक आ चुकी है कि हमारे पास दिवाली बनाने के लिए पैसे तक नहीं हैं। अब हम और हमारा परिवार दिवाली के इस बड़े त्यौहार को कैसे मनाएं? अगर हमारा परिवार दिवाली नहीं मनाएगा तो 2020 के इलेक्शन में हम इन दोनों ही सरकारों को वोट नहीं देंगे। सफाई कर्मचारियों ने किया धरना प्रदर्शन और दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सिविक सेंटर के गेट पर चढ़कर दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को काले झंडे दिखाए। तेज से दिल्ली से राजीव तिवारी की एक खास रिपोर्ट। अध्यक्ष अखिल भारतीय मजदूर क्रांति दल और सदस्य कोर कमेटी। अच्छा सर, ये बताइए, आज आप लोग बड़ी संख्या में यहाँ आए, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किन मांगों को लेकर कर रहे हैं, क्या मुख्य मांगे? मांगे 25 साल से एक ही चल रही है कि हमारे जो 25 साल तक हमें पक्का नहीं किया जाता, हमारे एरियल नहीं है पक्के होने के बाद, और मेडिकल कैशलेस सुविधा नहीं दी जाती हमारे को। हमारे कई कर्मचारी बिना सुविधा के हमारे एक्सपायर हो जाते हैं, क्योंकि सबसे दिल्ली को जब सारी दुनिया सोती है तो हम जागते हैं, और इस शहर को सब साफ सुथरा बना दिया जाता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, जैसे स्वच्छता सैनिक हमें स्वच्छता सैनिक नाम से पुकारा जाए, जैसे हमें कर्मचारी ना कह के स्वच्छता सैनिक बुलाया जाए। और आज जो आंदोलन हो रहा है, कोर कमेटी की 30-35 यूनियन है, हमारी संगठन हमारे साथ है, और इस बार ये समझ लो कि हम बहुत बड़े विशाल रूप में धरना प्रदर्शन चलाया जाएगा। जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी, क्या आपका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा? जी, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, जब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे, जब तक हमारी सारी मांगे नहीं मानी जाती, और जैन में डिमांड है, कोई हमारी अपनी मांगे है जो मानी जाए। ठीक है, देखिए, मेरा नाम संजय गहलोत है और अखिल भारत सफाई मजदूर संघ जो हमारा राष्ट्रव्यापी संगठन है उसका दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हूँ, साथ साथ जो हमारी कोर कमेटी में 35 संगठन है इनका सदस्य भी हूँ। आज आप लोग बड़ी संख्या में सिविक सेंटर पर आए हैं, क्या मांग को लेकर है, किस बात के लेकर आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, इसका मुख्य कारण एक ही है, हमारे जो सफाई मजदूर हैं जो खुद गंदगी में रहकर गंदगी से निजात दिलाते हैं, लेकिन उनकी जो भरपाई वो पूरी नहीं कर पाती सरकारें, जैसे उन लोगों को 20-22 साल हो चुके हैं, उनको परमानेंट नहीं किया गया, ये हमारी माताएं मैंने यहाँ पे आई हुई हैं, इनको पक्का नहीं किया गया, इसलिए मजबूर हैं ये। साथ साथ जो हमारा मेडिकल फैसिलिटी वो हमें नहीं दी जाती। मैंने अभी बताया है, हमारे एक बड़े दुख की बात है, वार्ड संख्या 220 पटपड़गंज में हमारा एक सफाई मजदूर पिछले कई दिनों से बीमार चल रहा था, उसने गुहार लगाई प्रशासन से कि मुझे कुछ पैसा दिया जाए, मैं अपना इलाज करूंगा, लेकिन बात नहीं सुनी। आज सुबह जब अपना काम कर रहा था वो, तो वहीं वो उसका मतलब खत्म हो गया, वो उसकी डेथ हो गई मतलब वहां पे। तो हम चाहते हैं मेडिकल कैशलेस कार्ड भी हमें मिलना चाहिए। इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ी बात है, जो हमारे ड्यूज है 2003-04 से ड्यूज रुके हुए, उनको नहीं दिया गया, हम चाहते हैं वो ड्यूज भी हमें मिलने चाहिए। तो ये हमारे कुछ बर्निंग इशू है, उसको लेकर हम इकट्ठे हुए हैं, और देखिए सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, अगर उन्होंने जल्द अमल नहीं किया इसके ऊपर तो भूख हड़ताल तो क्या, काम बंद हड़ताल करने में आमाद होंगे। बस हम इसलिए चुपचाप है क्योंकि दिवाली का त्यौहार है, इसमें जो बेकसूर जनता है दिल्ली की, हम चाहते हैं वो अननेसेसरी परेशान हो। आज हम बड़े सबर से यहाँ बैठे हुए, थोड़ी देर बाद निगम प्रशासन का पूरा ध्यान किया जाएगा, और साथ साथ अगर जरूरत पड़ेगी तो हम सबको काम बंद कराने में भी आमादा होंगे। सर, सवाल यह है, इस मांग को लेकर दिल्ली नगर निगम कहते हैं कि दिल्ली सरकार पैसे नहीं दे रही, और दिल्ली सरकार कहती है हम पैसा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीति के दो पार्टों में आप पिस रहे हैं। सर देखिए, हमने फुटबॉल का कभी कभी मैच देखा भी, लेकिन हमें फुटबॉल बुलाकर रख दिया इन सरकारों ने। केजरीवाल साहब के पास जो दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री हैं, जिनका एक नैतिक दायित्व है और सरकार में लिखा हुआ भी है कानून के द्वारा, उनको पैसा देना चाहिए बीजेपी सरकार को, निगम में जो है, तो वो कहते हैं कि मैं पैसा दे चुका हूँ, और जब यहाँ पूछते हैं निगम में आके, वो कहते हैं कि हमारे पास पैसा आया नहीं है। तो फुटबॉल के माफी को हमें मान रखा है लोगों ने, लेकिन देखिए हम किसी को बख्शने वाले नहीं है इस बार, हम चाहते हैं जिनका दायित्व देने का वो पैसा दे, अन्यथा लोगों के खिलाफ भी हम जाएंगे, मुख्यमंत्री के खिलाफ भी प्रदर्शन किया जाएगा। चुनाव भी आने वाले हैं, क्या लगता है चुनाव को लेकर? देखिए एक बात और भी है, चुनाव के लिए देश के प्रधानमंत्री जी हो चाहे देश का दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, इन्होंने अरबों खरबों रुपए खर्च करते हैं पब्लिसिटी पे स्वच्छता अभियान को सफल करने के लिए, लेकिन जिन लोगों के ऊपर कंधों के जिम्मेदारी है स्वच्छता अभियान को सफल होने की जिम्मेदारी है, उनको अनदेखा किया जाता है। यही कारण है कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी
ये सफाई बहुत अच्छी नहीं हो पाती। ऐसे ऐसे तजुर्बेकार जो लोग हैं इनको जिम्मा देना चाहिए। उन्होंने कल सचिन तेंदुलकर को अवार्ड दिया है, उनको बना दिया अम्बेसडर बना दिया, कभी अमिताभ बच्चन को अम्बेसडर बना दिया। इन लोगों का सफाई व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है, उन लोगों को बना देते हैं। तो यही कारण है कि सफाई व्यवस्था ठीक नहीं हो पाती। हम प्रधानमंत्री को करना चाहते हैं देश के, ये हम चाहते हैं कि लोगों की जिम्मेदारी है उनको उचित न्याय दिया जाए। अगर ऐसा होगा तो दिल्ली में एक पत्ता नहीं गंदगी का नजर नहीं आ पाएगा। एक बार नाम बता दीजिए। महेश नंदी। महेश नंदी, आज आप लोग यहाँ पर आए हैं प्रोटेस्ट करने, क्या मांगे, किन मांगों को लेकर आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर? त्योहार का टाइम है, दिवाली का दिन है, सबके बच्चे, सबके घरों में बच्चे हैं, जब पैसा नहीं मिलेगा, तनख्वाह नहीं मिलेगी, बोनस नहीं मिलेगा तो सड़क पर आना पड़ेगा। आज 25 साल से जो बोनस नहीं मिल रहा सफाई कर्मचारियों को, एरियल नहीं मिल रहा, जो कि एक इंतजार में बैठा होता है दिवाली आएगी तो दिवाली पे मेरे को एरियल मिलेगा, जिससे कि मैं दिवाली मनाऊंगा, अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीद के लाऊंगा, अपने घर का सामान खरीद करके लाऊंगा। जब एरियल और पैसा ही नहीं मिलेगा तो दिवाली सफाई कर्मचारी कैसे मना पाएगा? और सर ये बताइए कि आपकी मांगे नहीं मानी गई तो अगला कदम क्या होगा? क्योंकि अब दिल्ली में हड़ताल, अगर मानी मांग मानी नहीं गई तो अब कैसे प्रदर्शन छोटा हो रहा है, पूरे दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा, जगह जगह कूड़ों के ढेर लगे होंगे, जगह जगह चक्का जाम करना होगा हमें, तब जाकर के हमारी मांग पर सुनाई करेंगे। अगर अब इन्होंने नहीं सुना तो जो मोदी जी वो करते हैं स्वच्छता अभियान की बात करते हैं, उसको सफाई कौन करता है? सफाई कर्मचारी ही दिल्ली को साफ रखता है, पूरे हिंदुस्तान को दिल्ली सफाई कर्मचारी सफाई करता है, कोई मोदी जी या केजरीवाल जी सफाई करने नहीं आ जाते।